What's up everyone? Welcome back to the channel. Last class में मैंने आपको IOC और salary के बारे में discussion किया था. आज आपको fundamentals में ही कुछ और adjustments, कुछ और concepts सिखाने वाला हूँ जो बहुत important है और exam में 100% आने वाले हैं. तो जल्दी से अपना concept register ले आओ जिसके अंदर सभी concepts तुम लोग note कर रहे हो और उसके बाद फिर उस पर based हम लोग question start करेंगे. एक बार concepts खत्म हो जाए ना फिर chapter हमारा ऐसे खत्म हो जाएगा. तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं. सभी लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझ के चलेंगे. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, देखो यार, फर्म जब भी ऑनर जब पैसा निकाल लेता है फर्म से, जब भी वो पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं उसके पर्सनल पर्पस के लिए. तो फर्म ये बोलती है कि आपने जब हमारे में पैसा इन्वेस्ट करा तो हम आपको इंटरेस्ट देते हैं ना. सिमिलरली अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो आप हमें उस पर इंटरेस्ट दो. उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अब वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है उसके देखो मेनली दो केसेस बनते हैं. सबसे पहला व्हेन देयर इज इवन ड्रॉइंग्स. इवन का मतलब होता है सेम अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स, या सेम इंटरवल्स भी लिख सकते हो. और एक होता है व्हेन There is uneven drawings. एक तो होते हैं जब drawings even है और एक होते हैं जब drawings uneven है. ठीक है, दो तरीके की drawings होती हैं, even और uneven. सर ये even uneven क्या है, देखो मैं समझाता हूँ. सबसे पहले तो आप ये देखो कि let suppose हम ये मान के चलते हैं कि चिंटू ने, ये लो जी फिर से चिंटू हमारा आ जाए, जरा प्रकट हो जाए हमारे सामने. चिंटू विड्रू 10,000 ऑन 1st July फ्रॉम फर्म. ठीक है, चिंटू ने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए. कब विड्रॉ करे, ऑन 1st July. अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर उसने 10,000 विड्रॉ कर लिए तो बहुत सिंपल है. यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला कि ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च. ये लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च. ठीक है, अब उसने कब विड्रॉ करा, 1st July पे. 1st July कहाँ है जी, अप्रैल को छोड़ दो, मई को छोड़ दो, जून को छोड़ दो, यहाँ पे उसने विड्रॉ करा. अब अगर उसने यहाँ पे 10,000 विड्रॉ कर लिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने ये पैसा 9 months के लिए यूज़ करा होगा. भाई अगर उसने यहाँ पे विड्रॉ करा तो यहाँ से यहाँ तक है ना. लेट सपोज आपने बैंक से लोन लिया होता है, अगर आप लोन यहाँ लेते हो तो यहाँ से यहाँ तक का ही तो इंटरेस्ट काउंट होगा. तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बैठेगा, 9 months का. एज सिंपल एज दैट, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बैठ जाएगा, 9 months का, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता था. बहुत आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो अगर वो 10% है तो मैं बोलूँगा 10,000 का 10% और 9 months, 750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये तो एक ही बार उसने विड्रॉ करा. कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो लगातार विड्रॉ करता जा रहा है, लगातार विड्रॉ कर रहा है. जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें और लिखवाता हूँ. इस केस को आपने स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, फिर नोट कर लेना. ये आपने सिंपली नोट डाउन कर लेना है. अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे. अब यहां पे क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास, मैं ये कह रहा हूं कि इवन ड्राइंग्स हो रही है और इवन में भी हमारे पास यहां पे कुछ केसेस बनते हैं, जैसे मंथली ड्राइंग्स, जैसे क्वार्टरली ड्राइंग्स. मंथली और क्वार्टरली क्या होता है सर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चिंटू विड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ
एवरी मंथ वो हर महीने की शुरू में 10,000 रुपए निकाल लेता है। क्या बात है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सही है। अब यहां पे क्या है जी, अब अगर हर महीने की शुरू में है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अप्रैल में उसने 10,000 निकाल लिए स्टार्टिंग में, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट अगस्त, ऐसे करते जाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। अब देखो यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी, ऐसे करते 12 महीने तक। तो क्या 12 बार अलग अलग कैलकुलेट करोगे? ये तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा भाई, एग्जाम में 3 घंटे में 1 घंटा तुम इसमें लगा दोगे कि पहले इस 10,000 पे निकालो, कितने टाइम के लिए, पूरे 12 महीने के लिए, फिर इस पे 11 महीने के लिए, फिर इस पे 10 महीने के लिए, फिर इस पे 9 महीने के लिए, ऐसे थोड़ी ना अलग अलग निकालोगे, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका शॉर्टकट क्या है सर? देखो अगर बिगिनिंग है ना तो तुम लोग को कुछ नहीं करना, तुम लोग को एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, जिस भी रेट से, जैसे हमारा 10% है तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5/12, ये लगा देना बस टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला है जी, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5/12। अब मैं तुम लोग को ये भी बताऊंगा कि ये 6.5 आया कैसे, बट फिलहाल ये समझो कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी, देखो अगर 10,000 हर महीने हुई तो टोटल 1,20,000 हो गया, तो मैं यहां पे लगाऊंगा 1,20,000 पे 10% 6.5/12। ये 6.5 सिर्फ कहां पे लगेगा, अगर वो ड्रॉइंग्स मंथली है और मंथ की बिगिनिंग में है, ये याद रखना मंथली होनी चाहिए और मंथ की बिगिनिंग में होना चाहिए, तो ये टाइम पीरियड लग जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 1,20,000 पे 10% और 6.5/12, 6,500। इसका आंसर आएगा 6,500, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ कहाँ पे, मंथली और बिगिनिंग। अब इसका केस टू करते हैं, इसी का केस टू। अब यहाँ पे देखो जैसे बिगिनिंग था ना, इसको चेंज करता हूँ, केस टू बना लेना, चिंटू विड्रू ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो मैंने टाइम पीरियड बदल दिया, अब वो कब निकालता है, यहां पे बिगिनिंग में था, यहां पे हर महीने के एंड में है, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब सर अगर एंड में हो गया इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी कि अप्रैल के 30 पे लास्ट में, फिर मई 31, इस तरीके से हर महीने के एंड में निकालता है वो, इस बार शुरू में नहीं निकालता। कब निकालता है, बिल्कुल लास्ट में। तो फिर हम क्या, मैं फिर से ऐसे लगाऊं क्या, मैं फिर से अब यहाँ पे ऐसा पूरा का पूरा टेबल बनाऊं? अगर आप टेबल बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो अब समझो, अगर वो लास्ट में निकालता है तो हम लोग यहाँ, मैं सबको 30 या इसके साथ 31 लगा देता हूँ यार, ठीक है। अब ये मत समझना कि मुझे आता नहीं है, ये मैं जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ। सब सपोज 30, 31 जो भी है वो तुम लोग समझ लेना, ठीक है। अब अगर 31 अप्रैल को हो गया तो आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना, अगर ये पूरा साल है वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, इसे हटा देते हैं। अब लेट सपोज हमारा ये पूरा ईयर है और वो अप्रैल के लास्ट में विड्रॉ कर रहा है, बिल्कुल आखिरी डेट पे, 30th अप्रैल पे, तो लास्ट का मतलब तो बस मई के शुरू में हो गया, तो जो इंटरेस्ट बैठेगा वो यहाँ से यहाँ तक 11 महीने का बैठेगा। फिर मई के लास्ट में, देखो अप्रैल के लास्ट में है ना, तो अप्रैल तो काउंट नहीं होगा, तो 10,000 पे 10% और 11 महीने, एंड में 11 महीने से चालू होती है टेबल, ठीक है ना। अगर अप्रैल के शुरू में था तो भाई पूरे 12 महीने का, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाना। अगर वो मई के लास्ट में, तो अब फिर वो कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 10 महीने। फिर अगर जून के लास्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक 9 मंथ्स, इस तरीके से। लास्ट में क्या होगा, 31 मार्च पे, तो 31 मार्च तो बिल्कुल एंड है, तो वहाँ टाइम पीरियड लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होने वाला है वहां पे, देखो वहां पे होगा 10,000, 10% और बिल्कुल लास्ट में तो 0.12, किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो। यहाँ पे 31 मार्च को निकाला पैसा, तो क्या इंटरेस्ट है भाई, एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझे ना बात, ठीक है। लेकिन फिर से हम इतना लंबा कैलकुलेट क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है जी, अगर एंड में हो
टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5.5/12। याद रखेंगे अगर एंड में होता है और मंथ के एंड में होता है तो वहां टाइम पीरियड 5.5 चलता है। क्या टाइम पीरियड चलता है? 5.5। अगर मंथ की बिगिनिंग में है तो 6.5, मंथ के एंड में है तो 5.5। तीसरा केस आ जाओ, अगर चिंटू विड्रू करता है, चिंटू विड्रू रुपीज 10,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में साल के बीच में, तो साल के बीच में क्या करें सर? साल के बीच में भी मैं तुम लोग को फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखो डायरेक्टली। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो अगर हर महीने के बीच में निकालता है तो टाइम पीरियड 6/12 चलता है। हर महीने के बीच में क्या हो गया? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ऐसे हर महीने के बीच में निकालता है तो निकालेगा तो 1,20,000 ही, पूरे साल में पैसा निकाल रहा है और रेट जो भी होगा लेकिन टाइम पीरियड चलेगा 6/12। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मंथली ड्राइंग्स हैं और इवेंट ड्राइंग्स हैं, सेम ड्राइंग्स हैं, तो बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5। ये कैसे होता है ये भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आज नोट्स बना लो पहले सारे। अब चलते हैं क्वार्टरली पे। ये मैंने आपको मंथली लिखवा दी सारी, ये सब मंथली है। अब क्वार्टरली में लिखना आप, ठीक है? क्वार्टरली के नीचे केसेस बनाना। क्वार्टर के भी तीन केसेस बनते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। ये मुझे तुम्हें समझाने के लिए टेबल का यूज करना पड़ेगा, बिगिनिंग, एंड और मिड। चलो एक काम करते हैं, यही बनाते हैं। आ जाओ, पूरा लिखता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब अगर मैं पहले से ये सब लिख के रखता ना, स्लाइड यूज कर, तो मुझे समझ नहीं आने वाला था। देखो, हर क्वार्टर के शुरू में, साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर होंगे, तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर। ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। दिस इज क्वार्टर 1, दिस इज क्वार्टर 2, दिस इज क्वार्टर 3, दिस इज क्वार्टर 4। इस तरीके से 4 क्वार्टर होते हैं। अब लिखा हुआ है हर क्वार्टर के शुरू में 10,000 निकालता है, बिगिनिंग में, लेट सपोज। तो हर क्वार्टर का शुरू, इसका शुरुआत होगी यहाँ, यहाँ 10,000 निकाल लिए, फिर यहाँ 1 जुलाई, यहाँ 10,000 निकाल लिए, फिर यहाँ 1 अक्टूबर, यहाँ 10,000 निकाल लिए, फिर यहाँ, यहाँ 10,000 निकाल लिए। तो हर क्वार्टर के शुरू का मतलब हो गया साल में 4 बार निकालेगा। सबसे पहले कब निकालेगा? 1 अप्रैल पे 10,000, क्योंकि ये क्वार्टर की शुरुआत हो रही है। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई, तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर, चौथा क्वार्टर 1 जनवरी, ऐसे निकाल लेता है। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 निकाल दिया ना। अब देखो टोटल पैसा कितना निकाला, 10, 10, 10, 10, 40,000। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला चलता है? बिगिनिंग में फॉर्मूला लिखेंगे टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टर के शुरू में 7.5/12। मंथ के शुरू में 6.5 चलता था, क्वार्टर के शुरू में 7.5 चलता है। एक गलती तो यहाँ होती है। दूसरी गलती क्या होती है? बच्चे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से नहीं, 4 बार निकालेगा बस, 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अच्छा जी, अगर वो बोले एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पे, हर क्वार्टर पे एंड का मतलब 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, लेट सपोज ये हर क्वार्टर के एंड में, ठीक हो गया, हर क्वार्टर के एंड में भी 4 बार ही निकलेगा, तो फिर से फॉर्मूला क्या चलेगा? टोटल ड्रॉइंग्स यानी 40,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। क्वार्टर के एंड में चलता है 4.5, बिगिनिंग में 7.5, एंड में 4.5। देखो जब बिगिनिंग है ना तो मंथ में एक बढ़ा दो, 6.5 था बिगिनिंग में, एक बढ़ा दो 7.5 कर दो, एंड में एक कम कर दो, वहाँ पे 5.5 था एंड में, यहाँ पे 4.5 हो जाएगा। बस याद रखना ना, मंथ वाले याद कर लो, बिगिनिंग में एक बढ़ाना है, एंड में एक कम करना है, मिड में सेम है। अगर क्वार्टर के मिड में हो, क्वार्टर का मिड मतलब टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, ये सेम है, मिड में 6/12 ही चलता है, ठीक है जी। मिड का मतलब क्या हो गया सर? मिड का मतलब हो गया बेटा जी, ये इसका बिल्कुल बीच में, 15 मई,
15 अगस्त, बिल्कुल बीच में हो गया ना, देखो भाई, एक महीना ये छोड़ दिया, एक महीना ये छोड़ दिया, बिल्कुल बीच में 15 नवंबर और 15 फेब निकालेगा तो वही 4 बारी। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड चलता है वो 6/12 ही चलता है। आपको शॉर्टकट से काम हो जाएगा, आप टाइम पीरियड से अलग अलग निकालने से बच जाओगे। ये कैसे डिराइव हुए हैं फॉर्मूलाज, ये तुम्हारे से कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसको आराम से। चलो जी, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया सर। अगर ड्राइंग्स कैसी हों, अगर ड्राइंग्स हों इवन, इवन का मतलब सेम अमाउंट निकाला जा रहा है, रेगुलरली निकाला जा रहा है, तो हम शॉर्टकट से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अनइवन ड्राइंग्स हों, अगर अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे करी जा रही हो, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ये फेल हो जाएगा, वहाँ ये टाइम पीरियड वगैरह फेल हो जाएगा। टाइम पीरियड हमेशा कहाँ पे लगना है, सिर्फ जहाँ पे ड्राइंग सेम अमाउंट निकाली जा रही है और सेम इंटरवल के बाद निकाली जा रही है। अगर अलग अलग हो गया, जैसे ये लिखा है मैंने, व्हेन देयर इज अनइवन ड्राइंग्स, तो अनइवन में आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपको दोनों आने चाहिए, जिससे कंफर्टेबल हो उससे एग्जाम में क्वेश्चन कर लेना। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करी जाती है। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं जी, लेट सपोज, मैं एज्यूम करता हूँ कि पैसा चिंटू ने निकाला, कब कब निकाला, पैसा निकाला मई 1, मई 1, जुलाई 31, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। ठीक है, 30, 30, 1, 31 इस डेट पे उसने पैसा निकाला, कितना कितना, 20, 10, 30, 20, 10, 30, ये उसकी ड्राइंग्स हैं, 20, 10, 30, 40, 20, 25। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये है हमारे पास अनइवन। अनइवन का मतलब अलग अलग अमाउंट और डेट भी पता नहीं कहाँ से कहाँ, कोई मई, कोई जुलाई, कोई सितंबर, कुछ का कुछ निकाल रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम वो मंथली या क्वार्टरली वो नहीं लगने वाला, वो प्रोडक्ट वो नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई यूजफुल नहीं है वो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंपली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम सिंपल मेथड बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे आप, उसने मई में निकाला अगर, तो 20,000 पे लेट सपोज हम 6% के हिसाब से निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 6% पर एनम। ठीक है, तो 20,000 पे आप मान के चलो 6%, और कितने मंथ्स, कितने महीने भाई, उसने विड्रॉ करा मई में, तो मई से काउंट करो, और मई के शुरू में है, तो पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 11 महीने हो गए भाई। अगर मई के शुरू में निकाल लिया तो बस अप्रैल ही तो छोड़ा, पूरे 11 महीने का। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 11/12, 11 महीने का निकाल देंगे, 20,000 पे 6% और 11 मंथ्स 1100 आ जाएगा। ठीक है, 20,000 पे 6% और 11 महीने 1100 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे निकालो, अब देखो 10,000 पे 6%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, अब इसने जुलाई 31 में लिया, तो जुलाई तो काउंट नहीं होगा, अगर जुलाई काउंट नहीं होगा तो जुलाई के बाद काउंट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेबर, मार्च, 8 मंथ्स, 8 महीने का लगेगा यहाँ पे इंटरेस्ट, तो 8 मंथ्स, 10,000 पे 6%, 8 मंथ्स 400 रुपीस, 400 आ गया जी। उसके बाद अब यहाँ पे ऐसे ही 30,000 पे 6% और सितंबर भी काउंट नहीं होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने 6/12, तो 30,000 पे 6% और 6 महीने 900 ये आ गया जी। उसके बाद 40,000 पे 6% और कब निकाला, नवंबर 30, तो नवंबर भी काउंट नहीं होगा, नवंबर के बाद से काउंट होगा, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ्स, कितना आ जाएगा जी, 40,000 पे 6%, 4 मंथ्स 800 ही आ गया जी।
चलो अगला 20,000 पे 6% और जनवरी फर्स्ट है, ध्यान दो जनवरी फर्स्ट, एक जनवरी को निकाला तो पूरा जैन पूरा फेब पूरा मार्च, तीन महीना 20,000 6% तीन महीना, 20,000 6% और तीन महीना 300 ये आ गया। चलो उसके बाद 25,000 पे 6% और ये निकाला 31st मार्च पे, बिल्कुल लास्ट में, फिर तो लगेगा ही नहीं जीरो, तो यहाँ पे आंसर आएगा जीरो। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया जी हमारे पास, 1100, 1400, 1500, 1900, 2400, 2400, 2800, 3200, 3500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका बैठ गया है ना भाई। अलग अलग ड्राइंग्स पे अलग अलग कैलकुलेट करा इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल मेथड। इसको क्या बोला मैंने, सिंपल मेथड। अब सर सिंपल मेथड में तो बहुत देर लग रही है, क्या इसका कोई शॉर्टकट? यस डेफिनेटली, अगर ये सिंपल मेथड आपको नहीं लगाना तो आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड शॉर्टकट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा आओ जरा देखते हैं। अच्छा हमारा आंसर कितना आया इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, आप साथ साथ नोट कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर साथ साथ नोट नहीं कर रहे तो इसको ऐसे ही रख लो। 3500 हमारा आंसर आया था, तो मैं यहाँ लिख के छोड़ रहा हूँ कि हमारा आंसर आया था 3500, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया था। अब मैं जरा इसको हटा रहा हूँ, इस काम को हटा रहा हूँ, ये हटा दो। चलो जी अब देखो, मई वन को अगर निकाला तो 11 महीने का इंटरेस्ट बैठा था। यहाँ पे आपको लिखना है, ये है ड्राइंग्स और ये आ गया आपका टाइम पीरियड, ये क्या है टाइम पीरियड और ये तो डेट है ही, ठीक है। जुलाई 31 से कितने बैठे थे, 8 महीने, सितंबर 30 से 6 महीने, नवंबर 30 से 4 महीने, जनवरी 1 से 3 महीने और यहाँ 0, ये टाइम पीरियड था 11, 8, 6, 4, 3, 0, ये हमारा टाइम पीरियड बैठा था है ना। टाइम पीरियड आपने वहाँ पे भी यूज़ किया था, वही सेम टू सेम। आपको क्या करना है, इस बार प्रोडक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ड्रॉइंग्स इंटू टाइम पीरियड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बस। ये आ गया 2,20,000, 11 × 20,000, 80,000, 6,3, 18, 180,000, 4,4, 16, 160,000, 3,2,6, 60,000 and 2,500. सही हो गया, इसका टोटल करो जरा सर फटाफट से, 220 + 80,000 + 180 + 160 + 60 + 0, हमारे पास जो आंसर टोटल का आ रहा है वो 7 लाख आ रहा है, 7 लाख टोटल आ गया प्रोडक्ट का, ठीक है। ये तो बड़ी जल्दी हो सकता है आसानी से, यहाँ क्या फॉर्मूला लगाओ, एक ही फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लिख लेना। सिंपल मेथड से तो अलग अलग करना है ना, प्रोडक्ट मेथड से क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड से फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहाँ पे आप एक टाइम पीरियड यूज़ कर लो 1/12 है सर, ये क्या कर रहे हो करके देखते हैं आओ जी। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 7 लाख, 6% के हिसाब से हम निकाल रहे थे और अगर हम 1/12 कर दें, 7 लाख पे 6% इंटू 1/12, द आंसर विल बी 3500। ये लो जी आ गया, सेम आ गया या नहीं आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, सिंपली बड़ा आसान सा काम करो, क्या करो इस तरीके से, ये लिख लो ड्रॉइंग्स, लिख लो टाइम पीरियड निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आ गया, अब एक ही फॉर्मूला लगा दो। अरे छः बार थोड़ी कैलकुलेट करोगे, एक ही बार करेंगे बस, सीधा सीधा क्या बोला, 7 लाख पे रेट इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के मैंने आप लोगों को आज क्या क्या सिखाया देखो सुनो। सबसे पहले मैंने बोला अगर ड्रॉइंग्स इवन हो तो मंथली, जिसमें तीन फॉर्मूलाज, बिगिनिंग का अलग, मिड का अलग, एंड का अलग। अब अगर वहाँ पे सर स्पेसिफिक डेट दी हुई अलग अलग, तो फिर तो भाई ये सिंपल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डेट पे तो यही लगता है, वहाँ फिर इवन ड्रॉइंग्स कैसी हुई है ना। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में भी बिगिनिंग अलग, मिड अलग, एंड अलग, सही। अगर अलग अलग है और टाइम पीरियड भी अलग अलग है, तो या तो ये सिंपल लगेगा या प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में ही एक नोट और लिख लो, इन सब के नीचे एक नोट और लिखो,
टाइम पीरियड विल ओनली बी यूज्ड इफ द वर्ड पर एनम इज गिवन विद रेट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. सर इसका क्या मतलब है? टाइम पीरियड सिर्फ तभी यूज होगा अगर पर एनम लिखा हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला बेटा कि 10,000 निकाले 1 अप्रैल पे, यानी साल के शुरू में, ठीक है जी, और इंटरेस्ट है 10% पर एनम. या इसको 1 अप्रैल नहीं करते, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 अक्टूबर कर लो, अप्रैल की जगह इसे 1 अक्टूबर कर दो, ऐसा कर लो 10,000 1 अक्टूबर को, और ऐसा दिया हुआ है 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो. ये तो हो गया केस वन. और एक केस टू ऐसा दिया हुआ है कि वो 10,000 निकाल रहा है 1 अक्टूबर पे और खाली 10% के हिसाब से निकालो. अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली जोर दिया पर एनम पे, यहाँ पे ये पर एनम गिवन है, और यहाँ पर एनम के नाम पे कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क उड़ रहे हैं, बस ये लिखा हुआ है 10%. तो जहाँ पर एनम है वहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर होगा, जहाँ पर एनम नहीं है वहाँ टाइम पीरियड को भी भूल जाना. मतलब सर, मतलब ये बच्चों जी कि 10,000 रुपीज़ अगर उसने निकाले ये 1 अक्टूबर को निकाले और 10% के हिसाब से काम करना है, तो भाई अक्टूबर से काउंट करो ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, 6 महीने हो गए, तो जो टाइम पीरियड चलेगा वो 6 मंथ्स का चलेगा. केस वन के हिसाब से 10,000 पे 10% 1,000, 6 महीने 500 आंसर. लेकिन अगर केस टू पे चलूं तो साहब 10,000 पे 10% और कोई भी टाइम पीरियड नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि पर एनम वर्ड ही नहीं था. अगर पर एनम है तो ही टाइम पीरियड होगा, पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना. छोटी छोटी चीजें हैं, नंबर कट जाते हैं, इसके ऊपर सावधान इंडिया लिख लेना. तो पर एनम वर्ड होगा तो आप टाइम पीरियड लगाओगे, पर एनम नहीं होगा तो आप टाइम पीरियड नहीं लगाओगे. सीधा आंसर 10,000 पे 10% कितना? 1,000 आंसर. देखो अलग अलग आ गया या नहीं आ गया. तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है उस हिसाब से आपको करना है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, समझ में आ गया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की मैंने आपको सारे केसेस बता दिए, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता. कुछ और हाई ऑर्डर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज तुम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, और इसके अलावा अगर तुम लोग को कुछ और चीज़ें जाननी है, कुछ और करनी है, तो हम लोग डेफिनेटली अगली क्लासेस में कंटिन्यू करने वाले हैं. दिस इज इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच.